क्या दोस्तों आपने कभी किसी नदी के अंदर आग लगते हुए देखी है? दोस्तों 2016 में कुछ ऐसा ही हुआ था। अप्रैल 2016 में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पैंडेमिक रिवर में लोगों ने कुछ अजीब देखना शुरू कर दिया। इस नदी में आग लग जाती थी। दोस्तों ऐसा सुनने में काफ़ी मुश्किल हो सकता है, आखिर एक नदी में पानी के अंदर आग कैसे लग सकती है? इस अजीब फिनोमिना ने साइंटिस्टों को चौंका कर रख दिया था। फिर एक ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट जेमिनी बकीकन ने इस राज से पर्दा उठाया। दोस्तों इस आदमी ने नोट किया कि इस नदी के पानी के अंदर बबल्स बनते थे। इसका साफ मतलब था इस नदी के नीचे गैसें मौजूद है। इस एक्सपर्ट ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर नदी के पानी के साथ लाइटर जलाया और नदी में मौजूद गैस की वजह से वहां पर इतनी भयानक आग लग चुकी थी कि यह आदमी बाल बाल बचा। लेकिन आखिर दोस्तों इस नदी के अंदर गैसें कैसे आई? काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला कि इस नदी के साथ एक जगह बनी हुई थी जहाँ पर ज़मीन से गैसें निकालने का काम चल रहा था और इसी जगह से गैस उस नदी के नीचे पहुंच रही थी। और दोस्तों ये फिनोमिना लोगों को आज भी हैरान कर रहा है।